नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक छोले की सब्जी। इसके लिए हमें एक कटोरी उबले हुए ब्लैक छोले, नमक स्वाद के अनुसार, दो मीडियम साइज़ के प्याज, एक बड़ा चम्मच ऑयल, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच सब्जी मसाला, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच अमचूर और आधा छोटी चम्मच मिर्ची। आइए अब हम छोले बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करते हैं और कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गरम होने देते हैं। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे और जीरे को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जीरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें प्याज डाल देंगे। और प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक इसका रंग गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम प्याज को भूनते रहेंगे लगातार चलाते हुए। देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। हम इसे थोड़ी देर बाद भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, जीरा पाउडर, सब्जी मसाला, इनको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें चने डाल देंगे। एक से दो मिनट तक इनको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। और एक से दो मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और अमचूर डाल देंगे। इसमें हमने कोई पानी का यूज नहीं किया है, इसे हम बिना पानी के बनाएंगे। एक दो मिनट तक इसे भूनेंगे। और गैस को मीडियम करके इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। एक दो मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए, अब हम इसे ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। ढक देते हैं और 5 मिनट तक के लिए इसको पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने चनों को चेक कर लेते हैं। ये बन चुके हैं, ये थोड़ा से प्रेस कर देंगे ताकि इनमें मसाला अंदर तक चला जाए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे।
इन्हें 1-2 मिनट के लिए और पकने देंगे। हम इन्हें 1-2 मिनट के लिए ढककर और पकने देंगे मीडियम गैस पर। अब हम अपने छोलों को चेक कर लेते हैं। देखिए बन चुके हैं, देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है। अब हम इसे धनिया के साथ गार्निश करते हैं। हमारी सब्जी बनकर के तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए कितने अच्छे छोले बने हैं। हमारी सब्जी बनकर के तैयार है। ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।